आज पुंडरी की पुरानी अनाज मंडी में जेजेपी द्वारा अभिनंदन समारोह के दौरान एक विशाल जनसभा की गई, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला पहुंचे। युवा दिलों की धड़कन कहे जाने वाले दुष्यंत चौटाला के साथ स्टेज पर जेजेपी के दूसरे बड़े नेता भी नजर आए। लेकिन देखने वाली बात यह भी थी कि दुष्यंत चौटाला के साथ रैली में वो लोग भी स्टेज साझा कर रहे थे जिन पर बलात्कार और शराब माफिया जैसे केस दर्ज हैं। तो ऐसे में नेताजी से जनता क्या कुछ उम्मीदें लगा सकती है, ये आप खुद ही तय कर लीजिए। कुछ नेताओं ने भरे मंच से दुष्यंत चौटाला को राजा और मालिक तक की उपाधि दे डाली और नेताजी का भाषण सुनने में ऐसे लग रहा था कि नेताजी पुंडरी की जनता के सामने उप मुख्यमंत्री से जनता के प्रति जवाबदेही मांगने की बजाय जी हजूरी करने में ही अपना और जनता का वक्त जाया कर रहे हैं। बाकी जब नेता मंच से भाषण सुना रहे थे तब नीचे से बुजुर्ग 4 महीने की पेंशन की शिकायत करता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन मंच से उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा था क्योंकि वह बुजुर्ग मंच से नीचे खड़ा खड़ा अपनी शिकायत दर्ज करवाने की कोशिश कर रहा था। इस मौके पर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा आपको वो भी सुनाते हैं। तमाम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर को डीसीज को आदेश दे दी गए उनको रिवाइज कराए, क्योंकि बुढ़ापा पेंशन बूढ़े बुढ़िया की कंबाइंड इनकम और जो जो अपलोड करा रहे हैं उनकी पेंशन पेंडिंग भी हम आपने देंगे। मुख्यमंत्री ने कहा है कि 6 साल में पेट्रोल और डीजल की कीमतें ज़्यादा नहीं बढ़ी है, लेकिन उसके बावजूद लोगों की इनकम बढ़ गई है, लेकिन 12 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए। इतना बोल सकता हूँ, जो हमारा टारगेट है हरियाणा प्रदेश में रोजगार के अवसर बढ़ाने का, हमने पिछले वित्त वर्ष में 28,000 करोड़ का नया निवेश प्रदेश में लाने का काम किया। मैं मानता हूँ लाखों का रोजगार आने वाले दिनों में आप प्रदेश में आता देखोगे, और साथ के साथ हमारा जो 75% कानून जैसे ही हाईकोर्ट ने फैसला रिजर्व किया है उस पर निर्णय करेंगे, उसको भी हम रणदीप सुरजेवाला जी एक केस बता दें जिसके अंदर वेरिफिकेशन की दिक्कत के बिना किसी की हमने पेंशन काट दी। ये तो कांग्रेस का शासन था, उनकी सरकार वो मंत्री थे जब हरियाणा प्रदेश के बुजुर्गों को सड़कों पर बैठना पड़ा था, उसकी बुढ़ापा पेंशन 6-6 महीने। हम तो डीपीटी के माध्यम से किसान के खाते में हर 7 तारीख को पेंशन भी जमानी करता हूँ। लेकिन 3 लाख रुपए की कानून रणदीप सुरजेवाला जी बताए 2013 में कानून में एक सवाल इधर है चौटाला साहब, चौधरी देवी लाल ने बुढ़ापा पेंशन शुरू करी लेकिन इस सरकार में कट रही है। तो इतना बोल सकता हूँ जो कांग्रेस ने 2013 में कानून में प्रावधान 2 लाख रुपए का लाने का काम किया था, आज उसके अनुसार कोई फैमिली आईडी में किसी के क्लैश है तो व्यक्ति रिवाइज कर सकता है।